सत श्री अकाल, मैं दविंदर सिंह ते तुसी देख रहे हो एबीपी सांझा लीड स्टोरी। सब तो पहला हेडलाइंस। नवजोत सिंह सिद्धू ने मुड़ तो चोणां 'च सीएम चेहरे नाल उतरन दी कीती वकालत। चरणजीत सिंह चन्नी ने लोकां तों मंगिया अपने लई इक होर मौका। सुखबीर बादल ने दित्ती चुनौती, कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी चोणां तों पहला ऐलानन सीएम फेस। संयुक्त समाज मोर्चे दी समराला च होई पहली चोण रैली। कीर्ति किसान यूनियन दा सियासत तों किनारा, क्या नहीं बणांगे किसानां दे सियासी मोर्चे दा हिस्सा। पंजाब च भी ओमिक्रोन दी एंट्री, स्पेन तों नवां शहर आया शख्स ओमिक्रोन पॉजिटिव। देश च 1000 दे करीब होए ओमिक्रोन दे केस। केंद्र ने 8 सूबयां नूं पाबंदियां सख्त करन लई लिखी चिट्ठी। अनंतनाग च दहशतगर्दां नाल मुठभेड़ दे दौरान शहीद होया पंजाब दा जवान। तरनतारण दे रहण वाले सन शहीद जसबीर सिंह। परिवार दा रो रो के बुरा हाल। 7 साल पहला फौज परती होई सी जसबीर सिंह। टीम इंडिया ने रचा इतिहास, सेंचुरियन टेस्ट कीता अपने नाम। साउथ अफ्रीका नूं दित्ती 113 दौड़ां नाल मात। 3 मैचां दी लड़ी दे विच 1-0 नाल बनाई बढ़त। चोणां मौके पंजाब कांग्रेस नूं झटके ते झटके लग रहे ने। पार्टी दे 3 विधायक बीजेपी दे विच शामिल हो चुके ने, राणा गुरमीत सिंह सोढी, फतेहजंग बाजवा ते बलविंदर लाठी। नतीजा, पंजाब कांग्रेस हुण मंथन कर रही है। पहला राणा गुरमीत सिंह सोढी, फिर फतेहजंग बाजवा अते बलविंदर लाठी। ये तीनों लीडर कांग्रेस वालों मौजूदा विधायक ने, पर हुण बीजेपी दे हो चुके ने। पंजाब विच विधानसभा चोणां तों पहला ये कांग्रेस लई वड्डा झटका है। खासकर पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की लीडरशिप उपर सीधे सवाल उठने भी सुभाविक ने। जदों हुण खुद सिद्धू कांग्रेस अंदर चन्नी सरकार विच अपनी कप्तानी विखा रहे ने, तां एक एक करके कांग्रेसी पार्टी के जहाज़ विचों छाला मार रहे ने। सियासत दे इस पानी विच वो बीजेपी दे कमल उपर तैरदे विखदे ने। अगर हमने पंजाब में वो ग्लोरी लानी है जो 1980 से पहले थी, तो दैट ग्लोरी कैन कम थ्रू ओनली मिस्टर नरेंद्र मोदी। वदे बाजो तो पता ही लगता है कल बीजेपी है, परसों किथे जाना है, चौथे किथे जाना है। सभी विपक्षी पार्टियों में भगदड़ जैसी मची है। उन्हों नूं लग रहा है कि शायद मेरी टिकट कट्टी जाएगी। उस डर दे मारे वो जड़ा है वो उधरले पासे गया है। वो लोग जा रहे हैं जड़े लोग रिजेक्ट हो चुके हैं। कांग्रेस में सिर्फ 3 या 4 MLAs, 3 या 4 विधायक ही रह जाएंगे, सब छोड़ देंगे उनका साथ। फतेहजंग सिंह बाजवा बीजेपी में आ गया है, रहेगा और बीजेपी के लिए दिन रात काम करेगा। पंजाब कांग्रेस प्रधान जिस नाल इकट्ठे मरन ज्यों दीआं गल्लां कर रहे सन, वह तां पासा वट बीजेपी नाल डट गए। नवजोत सिंह सिद्धू जिस नूं आगामी विधानसभा चोणां लई थापड़ा दे के आए से, वह कांग्रेस का हाथ छड चलते बने। कादियां तों विधायक फतेहजंग बाजवा ते प्रताप सिंह बाजवा दे छोटे भरा चोणां तों ऐन पहलां कांग्रेस नूं अलविदा कह गए। 2 दसंबर नूं नवजोत सिद्धू कह के आए सन कि चोणां 'च फतेहजंग बाजवा का साथ देना, पर बाजवा तां कांग्रेस का साथ छड के ही तुर गए। हर एक आदमी के आने से हर पार्टी को फायदा होता है। हम तो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं। और आज जो सारे देश में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी कामयाबी की तरफ चल रहे हैं, जो उनका विजन है, जो उनकी डिटर्मिनेशन है अपने देश के लिए, हमने उस विजन को पंजाब में कायम करना है। आप छोड़ने के पीछे क्या कारण रहा, कांग्रेस छोड़ने के पीछे क्या कारण? इट्स बेटर, इट्स ए गुड पार्टी, ए गुड लीडर। हम एक एक दिन वेस्ट क्यों करें? अगर हमने पंजाब को तरक्की दिलानी है, अगर हमने पंजाब में वो ग्लोरी लानी है जो 1980 से पहले थी, तो दैट ग्लोरी कैन कम थ्रू ओनली मिस्टर नरेंद्र मोदी जी।
भारतीय जनता पार्टी ने इउं माझे च कांग्रेस के किले नूं सन लई। किसानी अंदोलन का गुस्सा कुछ घटिया, इसलिए हर हथ कंडा अपनाया जा रहा कि पंजाब की सियासी धरातल से बस पैर लग जाए। भारतीय जनता पार्टी की का प्रभुत्व और व्याप पंजाब में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसके परिणाम स्वरूप और साथ में जिस तरह की खलबली सभी विपक्षी पार्टियों में, चाहे कांग्रेस है, शिरोमणि अकाली दल है, आम आदमी पार्टी है, सभी विपक्षी पार्टियों में भगदड़ जैसी मची है। फतेहजंग बाजवा कादियां तो कांग्रेस के मौजूदा विधायक ने। वड्डे भरा प्रताप सिंह बाजवा ने 6 दसंबर को कादियां तो चोन लड़न का दम भर के छोटे भरा रब भरोसे छड़ दिता सी। नतीजा फतेहजंग बाजवा ने भी बीजेपी से भरोसा जता दिता। ये परमात्मा जाने जी, ये परमात्मा जाने जी। वो एक अलग फैमिली है, अलग एंटिटी है, उनकी अपना विचारधारा है। आए ना आए इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, पर फतेहजंग सिंह बाजवा बीजेपी में आ गया है, रहेगा और बीजेपी के लिए दिन रात काम करेगा। श्री हरगोबिंदपुर तो विधायक बलविंदर सिंह लाडी भी बीजेपी में शामिल हो गए। आप देख ही रहे हैं कि कैसे पंजाब में जितने लीडर हैं सब आप अपनी डफली बजा रहे हैं, लेकिन लगता है कि जहां इकट्ठ नहीं होगा, एकता नहीं होगी, वहां कुछ नहीं होगा। उन्होंने लग रहा है कि शायद मेरी टिकट कट्टी जाएगी, उस डर दे मारे वो जड़ा है वो उधरले पासे गया है। जितों तक बलविंदर लाडी का सवाल हैगा, बलविंदर लाडी उन्होंने ही आदमी है, तो उन्हें इसलिए टिकट उसकी कट्टी जा रही थी कि वह हार रहा है। उन्होंने पार्टी ने भी बुला के कहा भाई ये जड़ियाँ सीटा नहीं जीतिया जा सकदियां। मैं समझना कि वो लोग हुण इलैक्शन है तो आया राम गया राम दी ते भाई नीति रहेगी रहेगी, लेकिन मैं महसूस करदा कि कांग्रेस के कोलों वो लोग जा रहे हैं जेडे लोग रिजैक्ट हो चुके हैं। बलविंदर लाडी श्री हरगोबिंदपुर तो विधायक ने। 2017 च पहली बार विधायक बने से, हुण कांग्रेस का हाथ छड्डन वालों की गिनती च इजाफा हो रहा है, तो विरोधियों के तंज भी उसी रफ्तार नाल वध रहे ने। फतेह बाजवा तो पता ही लगता कल बीजेपी है, परसों कितने जाना है, चौथे कितने जाना है। सी कांग्रेस पार्टी देखो सारी दो फड़ हो रही है, हालात है जी बन जानी है कि कांग्रेस का सवाया हो जाना। देखिए कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो गई है पंजाब में, और इलेक्शन आते आते कांग्रेस में सिर्फ 3 या 4 MLAs 3 या 4 विधायक ही रह जाएंगे, सब छोड़ देंगे उनका साथ, क्योंकि उनके पास ही कुछ नहीं। कांग्रेस अपने आप में ही लड़के खत्म हो जाएगी। मैं फिर से कहता हूं कांग्रेस को ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है, कांग्रेस अपने आप में ही अपना ऑपोजिशन है, और कांग्रेस को वोट देना अपना वोट बर्बाद करने जैसा है। कादियां तो बाजवा परिवार चोन लड़ता रहा है। 2012 च प्रताप बाजवा की पत्नी ने इथो चोन लड़ी, 2017 च फतेहजंग बाजवा की वारी आई। फतेहजंग बाजवा कादियां तो विधायक ने। 2017 च पहली बार विधायक बने, अकाली दल के सेवा सिंह नूं हराया सी, पंजाब कांग्रेस के जनरल सकत्तर भी रहे ने। इस तो पहला 21 दसंबर नूं साबका कैबिनेट मंत्री अते गुरु हर सहाय तो विधायक राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी बीजेपी च शामिल होए। राणा सोढ़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे सब तो करीबियों चों इक ने। जदों कैप्टन पहला ही अपनी पार्टी पंजाब लोग कांग्रेस बना के बीजेपी नाल गठजोड़ दा ऐलान कर चुके ने, अजिहे च राणा सोढ़ी ने बीजेपी नूं ही चुनिया। जदों भी कैप्टन अमरिंदर सिंह दा राज सी विरोध होया, इस लीडर ने हमेशा कैप्टन दा साथ दिता। हुण भी जदों पुराने मंत्री कुर्सी बचाउण लई अड्डी चोटी दा जोर ला रहे सी, राणा गुरमीत सोढ़ी ने जनतक तौर उत्ते अपनी कुर्सी नूं सुरक्षित रखण लई कोई हंबला ना मारिया। नतीजा उह चन्नी कैबिनेट विच थां ना बना सके। राणा सोढ़ी 1973 तो राजनीति च सरगर्म ने। 1976 च यूथ कांग्रेस दे मैंबर बने। 2002 तो गुरु हर सहाय तो विधायक ने। 2017 च कैप्टन सरकार विच मंत्री बने। साफ है पुराने कांग्रेसी राणा सोढ़ी हुण बीजेपी दे हो चुके ने, पर पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू मुताबक इस नाल पार्टी नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। कोई भी जावे कोई भी आवे
कोई भी जावे कोई भी आवे इच्छा है। कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? मैं क्या यार कमाल होगी, कांग्रेस को कहता नुकसान भी, कई आए कई गए, कांग्रेस से खड़ी है, कांग्रेस से विचारधारा है, तुसी उस विचारधारा नाल हो तो तुसी कांग्रेस दे नाल हो। सैकुलर विचारधारा जिहड़ी है देश नूं आजाद कराने वाली पार्टी 70 साल दी पार्टी है, एक विचारधारा, तुसी उस विचारधारा नाल नहीं हो तो चले जाओ। पंजाब कांग्रेस नूं एक होर झटका लग्या है। माझा इलाके के दिग्गज लीडर लाली मजीठिया ने पणग्रेन के चेयरमैन अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। लाली मजीठिया अकाली लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया खिलाफ़ चोण लड़ते रहे हैं। साफ है कि इन चोणों तो पहला कांग्रेस लीडर खासकर पुराने कांग्रेसी विधायक पार्टी तो दूरी बना रहे हैं। नतीजा इसका खमियाजा कांग्रेस को चोणों में भुगतना पै सकता है। फिलहाल हुण समा एक ब्रेक का, ब्रेक तो बाद पंजाब कांग्रेस अंदर सीएम चेहरे को लैके चल रहे विवाद को जानेंगे। सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी नाल मिलके चोणा लड़नगे। कैप्टन वक्री पार्टी बना चुके ने, नतीजा कांग्रेस नूं मात देने लई हर संभव कोशिश करनगे। पर दूजे पासे पंजाब कांग्रेस अंदर सीएम चेहरे नूं लैके विवाद है। राणा गुरमीत सिंह सोढी, फिर फतेह जंग बाजवा अते बलविंदर लाडी, पर इन्हां तमाम लीडरां तों पहलां खुद कप्तान ने कांग्रेस तों किनारा कीता। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस तो अस्तीफा देने बाद कैप्टन पंजाब लोक कांग्रेस नाम की पार्टी बना चुके ने। उन्हें आगामी पंजाब विधानसभा चोणों के मद्देनज़र बीजेपी नाल मिलकर चोणा लड़न का ऐलान किया होया है। जिमें पहला खदशा सी कि कैप्टन कांग्रेस को नुकसान जरूर पहुँचाएंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस के मौजूदा तीन विधायक राणा सोढी, फतेह जंग बाजवा और बलविंदर लाडी बीजेपी शामिल हो चुके हैं। 18 सितंबर को अस्तीफा देने बाद कैप्टन ने कहा सी कि उन्होंने अपमानित किया गया। बात यह है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ दो महीनों में, कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है, दो महीने में तीन बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आप आज छोड़ दूंगा। अखीर चरणजीत सिंह चन्नी सीएम बने। इस सब विच कैप्टन तो इलावा उन्होंने पत्नी और कांग्रेस के पटियाला एमपी परनीत कौर भी कांग्रेस तो बागी ने। वह अपने परिवार नाल जाण दा पहला ही ऐलान कर चुके ने। नतीजा पार्टी ने उन्हां नूं कारण दसो नोटिस भेजा होया है। एक पासे कांग्रेसी लीडर पार्टी छड़ के जा रहे ने, ते दूजे पासे पार्टी विच आपोतापी ने कई विवादां नूं जन्म दिता है। नतीजा पंजाब कांग्रेस एक होर विवाद विच उलझदी वेख रही है। लगभग हर वार की तरह उंगली सिद्धू उपर ही है, क्योंकि नवजोत सिद्धू ने भी हमेशा की तरह उंगली अपनी ही पार्टी उपर चुकी है। सिद्धू चाहते ने कि कांग्रेस को चोणों उतरन तो पहला मुख्यमंत्री का चेहरा लोगों अगे रखना चाहिए, पर सुनील जाखड़ इस नाल सहमत नहीं। देखो ये गल हाईकमांड के हाथ है। मैं पिछली बार भी कहा कि जो आम आदमी पार्टी होंगी सी आप भटकाइए ना गल, वैसे फिर भी मैं दस दिना थोनू, तो मैं उन्होंने कहना हूं भी बरात पिपल थले खड़ी है, तो बहू बरात तुतरू तुतरू कर दी है, तो बहू पिपल थले सुती पई है। तो कहते डिप्टी सीएम बन जावे किहदा भाई, जे बरात खड़ी है तो लाड़ा कित्थे है, तो वह नुकसान होया उन्होंने। हुण अगर साडी पार्टी कोई निर्णय लैंदी है तो मैनू कोई इतराज नहीं है, मैं तो एक सिपाही हाँ पार्टी का। लेकिन एक गल याद रखियो, ऐतकी पंजाबियों नाल झूठ नहीं बोलेगा सिद्धू, शो पीस नहीं बनेगा सिद्धू। देखिए एक ही दफा सीएम का फेस अनाउंस किया गया, दैट वाज एन एक्सेप्शन, वो थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। 2017 में उनका चेहरा अनाउंस किया गया कि ये हमारे आने वाले मुख्यमंत्री होंगे।
तो उसके बाद में ना पहले कभी चीफ मिनिस्टर का डिक्लेयर नहीं किया गया, और अब की बार भी कांग्रेस हाईकमांड का फैसला है कि एक संयुक्त नेतृत्व में ज्वाइंट लीडरशिप के तहत इलेक्शन लड़ा जाएगा, कांग्रेस हाईकमांड के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा, और उसके बाद का जो फैसला है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, हमारे चुने हुए विधायक हैं वो अपने चीफ मिनिस्टर का चयन करेंगे। इत बस ने सीटा के ऐलान तो पहला नवजोत सिद्धू संभावी उम्मीदवार के पक्ष से धड़ाधड़ रैलियां कर रहे हैं। पटियाला के सनौर हल्के हैरी मान ली दावा ठोकिया, हैरी मान नू दबण नू फिरदे आ पर पतंदर दबदा किथे आ। हैरी मान नू अपने ही हराउण नू फिरदे आ पर ऐद की हरदा किथे आ। ए लिख लो ऐद की 4000 दे उत्ते हराया सी भरा मेरा, ते प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू है जवान दा पक्का, ते प्रधान ना कहियो जे ऐतकी 40 ते जिताया ना। ठोको तारी टका के सिद्धू कहना नो इफ नो बट सिद्धू दा जट, ठोको टका के तारी। इस तो पहला सिद्धू ने अजिहा ही दावा फतेहजंग बाजवाली भी कीता सी, पर बीजेपी विच शामिल हो चुके ने। कांग्रेस की कोई होर विकट डिगे, दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी दैठकों में उम्मीदवारों टिकटों सने पार्टी की मौजूदा स्थिति उत्ते चर्चा हो रही है। पार्टी नहीं चाहती कि कोई होर लीडर कांग्रेस छड़ के जाए, पर एक गल तो साफ है कि पार्टी अंदर कुछ भी ठीक नहीं, जो चोणों तो पहला चंगा संकेत नहीं हो सकता। इतने एक होर ब्रेक लिए रोकते हैं, तो ब्रेक तो बाद जाएंगे कैप्टन कांग्रेस को किवें नुकसान पहुँचा सकते हैं। जदों हुण कैप्टन बीजेपी दे नाल गठजोड़ कर चुके ने, नतीजा साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस नूं जम के कोस भी रहे ने। अजिहे च समझदे आखिर कैप्टन कांग्रेस नूं नुकसान किवें पहुंचाउणगे। साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब लोक कांग्रेस नाल मुड़ मैदान विच ने। कैप्टन सिद्धा कांग्रेस नूं चुनौती दे रहे ने। सब जानते ने कैप्टन खासकर किहड़ी धिर दा नुकसान करना चाहते ने। सवाल भी सीधे जिहे ने, आखिर कैप्टन के नवे सियासी कदम नाल कांग्रेस नूं किवें नुकसान पहुंचेगा। पुराने लीडर होने कारण कांग्रेस की वोट वंडी जाएगी। लीडरशिप तो निराश कांग्रेसी कैप्टन के खेमे च जाएंगे। कैप्टन के 2017 के वादे कांग्रेस उपर भारी पैणगे। जरूर 2017 के वादे कांग्रेस उपर भारी पै रहे ने, खासकर किसान चन्नी सरकार तो कर्ज माफ़ी के मुद्दे उपर जवाब मंग रहे हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि कांग्रेस के वादे मुताबक उन्हों का कर्ज माफ़ नहीं होया। अजिहे च चाहे कैप्टन पार्टी छड़ चुके ने, पर जवाबदेह कांग्रेस ही है। अजिहे हालातों में राह नवजोत सिद्धू की भी आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि कैप्टन नहीं चाहते नवजोत सिद्धू सीएम की कुर्सी तक कपड़े। अपने सब तो वड्डे विरोधी नवजोत सिद्धू के राह में कैप्टन भी वड्डी चुनौती खड़ी करनगे। इन हालातों में नवजोत सिद्धू अजिहियां चुनौतियों की परवाह किए बगैर अपनी चाल चल रहे हैं। अपने 18 नुकाती एजेंडे नूं सरकार तो पूरा करवाउण दा दम भरते हैं। पंजाब मॉडल पंजाब की तरक्की लई इक इक कारगर कदम दसते हैं, पर जदों हुण विधानसभा चोणां विच कुछ ही महीने बाकी ने, अजिहे विच नवजोत सिद्धू की राह भी आसान ही रहने वाली, क्योंकि पार्टी का नवा संगठन खड़ा करना, लोगों दी उम्मीदां ते खरा उतरना अते वादियां ते अमल करवाउणा वड्डियां चुनौतियां ने। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जिस कारण हटाया गया, उस कारण की बदली हुई तस्वीर पूरी तरह साफ लोगों विच लै के जाना नवजोत सिद्धू लई वड्डी चुनौती है। क्योंकि पंजाब की सियासत में पिछले 4 साल तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू विचकार तलखी चर्चा का विषय रही है, पर हुण यह भी समझ लेना जरूरी है कि कैप्टन सिद्धू की तलखी बीते की गल हो चली है। कैप्टन खुल के कांग्रेस खिलाफ मैदान में ने, बीजेपी सांझ नाल ओह कांग्रेस नूं ठिप्पी लाना चाहते ने। इत्थे अकाली दल और आम आदमी पार्टी दोवां धिरां नूं कोस के अपनी छाप छड्डण की कोशिश करनगे। एक होर ब्रेक लिए रोकते हैं, तो ब्रेक तो बाद कांग्रेस ने बाकी पार्टियां अंदर वापरे घटनाक्रम नूं जाणांगे।
विधानसभा चोणां तों ऐन पहलां हर पार्टी अंदर गहमा गहमी सुभाविक है, पर इत्थे पंजाब कांग्रेस ने सब दा ध्यान खिंचिआ है। पिछले महीनों दौरान पंजाब कांग्रेस च वापरे घटनाक्रम बारे जानदे हां, इत्थे बाकी पार्टियां दी भी गल करांगे। विधानसभा चोणां 2022 दे मद्देनज़र पंजाब दी सियासत विच कई उल्टफेर वेखण नूं मिल रहे ने। मुख तौर उत्ते पंजाब कांग्रेस दी सियासत ने सब दा ध्यान अपने वल खिंचिआ। खासकर नवजोत सिद्धू दे बौंसरां ने ना सिर्फ कैप्टन नूं आउट कीता सगों टीम विचों बाहर जाण लई भी मजबूर कर दिता। नतीजा कैप्टन अपनी नवी सियासी पार्टी बना के बीजेपी के गठजोड़ नाल कांग्रेस अंदर सन भी ला रहे ने अते चोणां विच धूड़ चटाउण दा दम भी भरिया जा रहा है। सिद्धू इकल्ले कैप्टन ही नहीं, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उपर भी भारी पै रहे ने। इकबालप्रीत सिंह सोहोता की थान सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय नूं डीजीपी नियुक्त किया गया। इकबालप्रीत सिंह सोहोता की नियुक्ति नूं लैके पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू लगातार विरोध जता रहे सी। इस तो पहला सिद्धू के रोह अगे झुकदिया चन्नी सरकार ने अमरप्रीत दियोल की थान डीएस पटवालिया एजी नियुक्त किया। डीएस पटवालिया नवजोत सिद्धू की पहली पसंद सन। 28 सितंबर नूं पंजाब कांग्रेस के प्रधान अहुदे तो नवजोत सिद्धू ने इस्तीफा दिता सी। चन्नी सरकार प्रति गिला जाहिर करदिआं सिद्धू ने डीजीपी वजो इकबालप्रीत सिंह सोहोता अते एजी वजो अमरप्रीत देओल की नियुक्ति उपर सवाल चुके सन। सिद्धू का इस्तीफा उस समय सामने आया जदों पंजाब कांग्रेस में पूरी तरह उथल पुथल मची सी। एक तो बाद एक कई घटनाक्रम वापर रहे सन। 18 जुलाई नूं नवजोत सिद्धू प्रधान बने सन। 23 जुलाई नूं प्रधान वजो सिद्धू की ताजपोशी हुई सी। 18 सितंबर नूं कैप्टन ने इस्तीफा दिता सी। 20 सितंबर नूं चरणजीत सिंह चन्नी सीएम बने। 26 सितंबर नूं मंत्रिमंडल ने सौं चुकी सी। 28 सितंबर नूं मंत्रालयां की वंड हुई सी। 28 सितंबर नूं ही नवजोत सिद्धू ने इस्तीफा दे दिता सी। अखीर दिल्ली विच कई दौर दीआं बैठकां बाद सिद्धू ने प्रधान वजो कामकार मुड़ संभालिया सी। कांग्रेस ही नहीं बाकी सियासी पार्टियां अंदर भी कई तरह की उथल पुथल वेखण नूं मिली। खेती कानूनों के विरोध में हरसिमरत बादल ने केंद्रीय मंत्री का अहुदा छड्डिया। अकाली दल ने बीजेपी तो नाता तोड़िया अते BSP नूं नवा भाईवाल बनाया। खेती कानून रद्द होण बाद कैप्टन अते सुखदेव ढींसा ने बीजेपी नाल हथ मिलाया। किसानों दीआं 22 जथेबंदियां ने चोणां विच कुदन दा ऐलान करदिआं संयुक्त समाज मोर्चा पंजाब नूं दिता। दूजे पासे आम आदमी पार्टी के कई मौजूदा विधायकों ने एक एक करके पार्टी का साथ छड्डिया। ज़्यादातर ने कांग्रेस का हथ फड़िया, पर हुण कांग्रेस के ही मौजूदा 3 विधायकों ने BJP नाल जाके नवे सियासी समीकरणों जन्म दिता। मौजूदा समय पंजाब की आगामी चोणां विच कांग्रेस अकाली दल आम आदमी पार्टी BJP सने किसानों का संयुक्त समाज मोर्चा जोर अजमाई करेगा। हुण जांदे जांदे एक जरूरी सूचना, तुसी ABP सांझा टाटा स्काई दे चैनल नंबर 1929 ते भी वेख सकते हो। फिलहाल दे लई इन्ना ही। देश दुनिया दीआं तमाम खबरां वेखण लई तुसी वेखदे रहो ABP सांझा।